सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम भरत और आज इस वीडियो के अंदर हम जो है बात करने वाले हैं सबसे बेस्ट आईफोन अंडर 15,000 रुपीज़ जो आज के टाइम में आप परचेज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है मेरे सामने अभी है आईफोन 8। तो आईफोन 8 जो है मुझे लगता है कि आज के टाइम में एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया डिवाइस रहने वाला है। अगर आपका बजट जो है 15,000 तक का और एक आप आईफोन लेने की सोच रहे हो तो मुझे लगता है कि ये अभी बेस्ट टाइम है इस फ़ोन को परचेज़ करने का। तो इसी के बारे में जो डिटेल में बात करते हैं, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर बात कर लेते हैं डिस्प्ले की क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पर जो डिस्प्ले की क्वालिटी है, वैसे तो आपको 720 पिक्सल्स वाली डिस्प्ले जो है यहाँ पर देखने को मिलती है, बट जो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है आपको बहुत ही ज़्यादा जो है बढ़िया यहाँ पर मिलने वाली है। तो यहाँ पर जो फीचर्स वगैरह सब चीज़ आपको मिलती है वो सुपर क्वालिटी की मिलती है। यहाँ पर जो है मैं आपको एक कैमरा सैंपल दिखा देता हूँ, यानी कि वीडियो सैंपल दिखा देता हूँ, जिससे आपको जो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह की जो क्वालिटी है आपको आईफोन 8 में मिल जाती है। यहाँ पर जो है आपको 1080p तक की जो है आप वीडियोज़ यहाँ पर चला सकते हो इस फ़ोन के अंदर। तो यहाँ पर जो है एक विजुअल आप देखिए और आप खुद जज कीजिए कि किस तरह की जो क्वालिटी है आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। सारी ही जो चीज़ें हैं वो आपको एकदम साफ दिखाई देती है और ब्राइटनेस का जो लेवल है वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह की जो क्वालिटी है वो आपको मिल जाती है। इसके साथ में डुअल स्पीकर आपको मिलते हैं, यानी स्टीरियो साउंड भी आपको मिलेगा। तो लाउडनेस जो है इन स्पीकर्स की वो भी काफ़ी बढ़िया है। मैं ट्राई करता हूँ आपको सुनाने की। तो फ्रेंड्स, अगले पॉइंट की बात करते हैं जो कि है बैटरी लाइफ। तो बैटरी लाइफ भी जो है आपको इस फ़ोन में काफ़ी बढ़िया जो है देखने को मिल जाती है और सुपर क्वालिटी की जो है बैटरी लाइफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यानी कि आराम से आपको जो है वन डे यूसेज वाली बैटरी मिल जाएगी। बट यहाँ पर डिपेंड करता है, अगर आपका जो यूसेज है वो लिमिटेड है तो अच्छी बात है। अगर आप हैवी यूज़र हैं तो आपको जो है बैटरी यहाँ पर कम लग सकती है। मेरे फ़ोन में जो बैटरी हेल्थ है वो अभी 86% है और अराउंड 80% तक जो है बैटरी हेल्थ अगर आपको मिल रही है तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छी बैटरी हेल्थ है और आप उस फ़ोन को परचेज़ कर सकते हो। 80% से कम की अगर आपके फ़ोन में बैटरी लाइफ है तो फिर आपको जो है उस फ़ोन को परचेज़ नहीं करना चाहिए, स्पेशली सेकेंड हैंड मार्केट से या रिफर्बिश्ड मार्केट से, जहाँ से भी आप इस फ़ोन को लेंगे। तो वहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको यही चेक कर लेनी चाहिए कि आपकी जो बैटरी हेल्थ है 90% अबव है तो बहुत ही अच्छी बात है, और एटलीस्ट 80% से ऊपर तो होनी ही चाहिए, तभी उस फ़ोन की जो लाइफ है वो 1 से 2 साल तो कम से कम रह जाएगी। सो फ्रेंड्स, अगले पॉइंट की बात करते हैं जो कि है प्रोसेसर। तो यहाँ पर प्रोसेसर जो है काफ़ी फास्ट दिया हुआ है। A10 बायोनिक चिप यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल जाता है, जो कि अपनी पिछली जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और काफ़ी स्मूथ भी जो है आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है, कोई भी हैंगिंग का इशू नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है iOS 16 का भी सपोर्ट मिल जाता है आपको। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको लेटेस्ट अपडेट है जो कि iOS 16, वो आपको यहाँ पर कंपनी ने प्रोवाइड कर दिया है। तो 16.0.2 जो वर्जन है वहाँ पर अभी रन हो रहा है इस टाइम पे। तो मुझे लगता है कि इस तरह का जो फ़ोन है वो आपको जो है फ्यूचर अपडेट्स की वजह से भी जो है अच्छा लगने वाला है। अगर रेगुलर अपडेट्स आते हैं हर महीने तो नए नए फीचर्स जो है ऐड होते जाते हैं। तो यहाँ पर जो है लेटेस्ट फीचर्स के साथ आता है। इसके अलावा प्रोसेसिंग स्पीड की अगर बात करें तो काफ़ी फास्ट है। फ्लिपकार्ट हो, कोई भी एप्लीकेशन आप खोलेंगे तो बहुत ही जल्दी जो है यहाँ पर रेस्पॉन्स आपको मिल जाता है। कोई भी नॉर्मल एप्लीकेशन आप खोलते हैं तो बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से जो है यहाँ पर ओपन होती है। चाहे कोई गेमिंग करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, सब चीज़ जो है ये फ़ोन सपोर्ट कर जाता है। ये बहुत ही अच्छी बात लगती है इस फ़ोन की। सो फ्रेंड्स, अब बात करें अगर गेमिंग की, तो यहाँ पर डिटेल में गेमिंग जो है आप अगर हैवी यूज़र हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हैवी गेम्स खेलना पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि फ़ोन में जो है हीटिंग इशू हो जाएगा। क्योंकि एक छोटा सा कॉम्पैक्ट फ़ोन है, उसके अंदर एक बैटरी फिट है, पतली सी डिवाइस है, तो उसकी वजह से थोड़ा हीटिंग इशू होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि गेमिंग करवा ही नहीं सकता है, आप गेमिंग जो है आराम से कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल गेम्स खेलते हैं तो बहुत ही इजीली आप 2 से 3 घंटे तक गेम्स खेल सकते हैं इस फ़ोन के अंदर।
बट अगर आप हैवी गेम्स खेलना चाहते हैं जैसे कि पबजी हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, तो उस मामले में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सो फ्रेंड्स, अब अगले पॉइंट की बात करते हैं जो कि कैमरा क्वालिटी। तो यहाँ पर कैमरा क्वालिटी भी जो है आपको ठीक ठाक मिल जाती है। यहाँ पर जो है सिंगल कैमरा मिलता है पीछे की तरफ 12 मेगापिक्सल का, और फ्रंट में जो है 7 मेगापिक्सल का कैमरा आपको मिलता है। तो कुछ कैमरा सैंपल्स जो है मैं आपको लेके दिखाता हूँ कि किस तरह की जो क्वालिटी है आपको मिल जाती है। और यहाँ पर जो है कुछ कैमरा सैंपल्स जो है मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह की जो कैमरा क्वालिटी आपको मिलने वाली है। मैंने सिर्फ आर्टिफिशियल लाइटिंग में ही अभी फ़ोटोज़ क्लिक की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मैटर है, यानी कि आप जो है ईजिली पढ़ सकते हो उसको, उस मामले में जो है कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। और क्लैरिटी जो है काफ़ी बढ़िया है, नेचुरल कलर्स जो है ये प्रोड्यूस करता है ये फ़ोन, तो वो इसकी जो है अच्छी क्वालिटी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी डिटेल जो है मिस नहीं होती है। सिंगल कैमरा है लेकिन डिटेल जो है ये अच्छे से कैप्चर कर लेता है, ये इसकी एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है। वीडियो मोड आपको मिल जाता है जहाँ पर आप आराम से 4K 30 FPS शूट कर सकते हो, सपोर्ट करता है ये फ़ोन। इसके अलावा स्लो मोशन मिल जाता है, टाइम लैप्स मिल जाता है, कमी है तो बस पोर्ट्रेट मोड और वाइड एंगल मोड की। सो फ्रेंड्स, एक बार जो है साइज़ कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना जो है साइज़ में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। माइनर सा डिफरेंस है लेकिन यहाँ पर स्क्रीन साइज़ का भी थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। यहाँ पर आपको जो है बटन मिलता है जो कि टच बटन है, और ये फिंगरप्रिंट रीडर का भी काम करता है। आईफोन 10 सीरीज से जो है आपको कोई भी यानी कि फिंगरप्रिंट रीडर नहीं मिलता है, सिर्फ फेस अनलॉक का ऑप्शन मिलता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है लेकिन दोनों की ही अपनी जो है क्वालिटी है, दोनों की अपनी सेफ्टी फीचर्स हैं। तो आपको जो पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप पिक कर सकते हो। अंडर 15,000 वाले बजट में मैं जो है हमेशा ही जो है आईफोन 8 को ही पिक करूँगा, और अंडर 30,000 का अगर बजट है तो फिर आईफोन 10R या फिर आईफोन 11 के साथ आप जा सकते हो। तो यही मेरा फाइनल वर्डिक्ट था, आई होप आपको जो है पसंद आया होगा। यहाँ पर जो है ज़्यादा लाइट वेट फ़ोन आपको मिलता है आईफोन 8, जबकि थोड़ा सा जो है हैवियर साइड पर आपको मिलने वाला है आईफोन 10। तो अगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो है कौन सा फ़ोन ज़्यादा पसंद आता है। मुझे लगता है कि आईफोन 8 अगर आपको एक पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस चाहिए, छोटा साइज़ का फ़ोन चाहिए और सारे सेम फंक्शंस आपको ऑलमोस्ट मिल जाते हैं विथ लेटेस्ट फीचर्स, तो फिर मुझे लगता है कि आईफोन 8 एक बहुत ही अच्छा चॉइस है। अगर आप अपना पहला आईफोन परचेज़ करना चाहते हैं तो रिफर्बिश्ड मार्केट से परचेज़ कर सकते हो। वहीं पर ही आईफोन 10 या 10R जैसे फ़ोन्स जो हैं जिनके हाथ थोड़े से साइज़ में बड़े हैं और जिनको थोड़ा बल्की फ़ोन चाहिए और उससे प्रॉब्लम नहीं है पॉकेट में रखने में, तो फिर आईफोन 10 सीरीज से जो है जितने भी फ़ोन्स आते हैं आईफोन 12, 13, 14 तक, वो सभी फ़ोन्स जो है वो ले सकते हैं, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं आएगी। सो आई होप आपको जो है ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।